हेलो स्टूडेंट, आज कोनिक सेक्शन के अंतर्गत हम परवलय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी छात्र देखें, तो यहाँ पर परवलय क्या होता है इसके बारे में बताया गया है कि एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो। तो हम यहां देखते हैं एक जो परवलय बना हुआ है, एक निश्चित बिंदु, फिक्स बिंदु है, इसको हम नाभि कहते हैं। उससे इसका डिस्टेंस और इसका इस स्थिर रेखा नेता से डिस्टेंस बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी यह बी वन पी वन और पी वन एफ, इनकी लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। तो यहां देखिए ये लिखा हुआ है पी वन एफ बराबर पी वन बी वन, ठीक है। तो अब यहां पर देखेंगे कि निश्चित सरल रेखा को हम नेता कहते हैं। तो यह आपकी जो नेता है और स्थिर निश्चित बिंदु को हम नाभि कहते हैं। तो यहां पर ये नाभि, ठीक है, कहते हैं इसको। और परवलय की नाभि से जाने वाली और नेता पर लंब रेखा अक्ष कहलाती है। तो हम यह देखते हैं कि यह अक्ष जो है नेता पर लंब है और नाभि से गुजर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अक्ष, ठीक है। तो अक्ष की परिभाषा यहां लिखी हुई है। साथ ही जिस बिंदु पर परवलय को काटता है उसे परवलय का शीर्ष, और जिस बिंदु पर यह परवलय अक्ष को पर काटता है इसको हम शीर्ष कहते हैं। अब हमको परवलय के चार प्रकार यहां दिख रहे हैं। अगर परवलय इस फॉर्म में है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, तो इसका डायग्राम इस टाइप का होगा। और यदि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स, अगर यह फॉर्मूला है तो परवलय का डायग्राम ये वाला होगा। और इस डायग्राम का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई। और इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई, क्लियर। अब हम देखते हैं अभिलंब जीवा। तो यहां पर ए से बी, ए बी की कवला कहलाएगा नाभिलंब, नाभिलंब जीवा है, इसका मान होगा फोर ए। तो ये आप फार्मूला यहां रखिए और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ेगी। अब हमको क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष और नेता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इससे हम तुलना करते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, तो 4ax, इससे कंपेयर करने पर क्या आ जाएगा आपका, देखेंगे कि a इक्वल टू 3, क्लियर। और परवलय आप देखेंगे इस तरह से बनेगा और इसका शीर्ष जो होगा इसका शीर्ष जो है ए जीरो, तो यहां पर आ जाएगा थ्री जीरो। और इसका नेता जो होगी एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, तो यहां पर नेता का मान आपका है
एक्स इक्वल माइनस थ्री, और नाभि का मान होगा थ्री जीरो। और इसके अलावा हमको क्या ज्ञात करना है, नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4a। तो 4a की वैल्यू दी है 3, तो 12, क्लियर। और नाभि के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, a 0, तो इस बेस पे a का मान 3 रख दिया तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों मान इसमें